इस पावन शिवरात्रि के दिन गुरु जी की सारी संगत का अभिनंदन। ये गुरु जी का आशीर्वाद है कि हम सारे गुरु जी के प्रत्यक्ष शिव जी के दिन शिवरात्रि शिव का दिन है और इस नए दरबार में उनके आशीर्वाद के बिना हम नहीं बैठ सकते। उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी धाम शिव धाम नहीं बन सकता है। रामायण में लिखा हुआ है जहां संतों के पैर पड़ते हैं वो तीर्थ राजो। अगर आप बड़ा मंदिर गए हैं या देखा है तो आपको पता होगा गुरु जी का आशीर्वाद है तो वो आज एक धाम बना हुआ है। अगर गुरु जी की कृपा उस पर नहीं होती तो तेरे मंदिर खुले हैं दिल्ली में। जहां संत की कृपा हो वही तीर्थ राशि है। ये सिर्फ गुरु जी का आशीर्वाद है शिवरात्रि के दिन संगत जुड़ना। मैं कुछ मोमेंट्स जो गुरु जी के साथ 2004 से मैं हर शिवरात्रि गुरु जी के साथ बिताई हूँ। 4, 5, 6 and 7 I would like to talk about 7, 2007 I want to relive that moment again with all of you. Maharaj ke darbar mein September it started that nayi sangat bulao, navi sangat. In fact, hume mandir mein aane ki permission nahi thi agar hum nayi sangat nahi laye. He was so strict about it. Ki karan aayo? Main to dukaan nahi laayi hai. Bhajanam bhojanam wala darbar nahi hai ye. He was giving a clear indication, a message to all of us. What exactly he wanted to tell us? तब नहीं समझ आता था। चेतना का स्तर आत्मिक बल पे उस तरह बड़ा ही नहीं था कि बात समझ आ रही थी हमें। सितंबर से नई संगत शुरू हुई, खूब गहरे जमे। 7 में कार्ड्स छपे एंड गुरु जी की संगत को गुड़गांव के लिए स्पेशली हमें बोला गया, जितने आगे बांट सकते हो उतने उठाइए। अब आप देखिए गुरु जी की लीला। जब हम कहते हैं यहाँ कोई भी बिना गुरु जी की इजाजत के नहीं आता है एंड जो भी बात गुरु जी कहते हैं वो एक्चुअली प्रैक्टिकली उनके दरबार में मैंने होते हुए देखा अपने सामने। मैंने 10 कार्ड उठाए और मेरे दिमाग में 10 लोग जो थे मेरे अड़ोस पड़ोस के थे, क्योंकि रिश्तेदार तो भी जुड़ नहीं रहा था। मैंने अपनी ड्यूटी करी, मैं सबके घर नॉक करी और गुरु जी का आशीर्वाद देकर आई। कोई आया इक्का दुक्का, कोई नहीं आया। किसने बात कान में आई, मजाक भी बनाया, गबरू बीमार रहता एकदम ते गुरु आदे वल दौड़ती रहती है। ठीक है, बात गई बीत गई। हम यूएस आ गए 2013। आज मैं बैठ के सोच रही थी जो 10 कार्ड मैंने बांटे वो सारे गुरु जी की संगत। शायद उस पल पे उनका समय मुकर्रर नहीं था बट गुरु जी ने उनकी एंट्री, हम माध्यम थे, जो जो कार्ड वो बटे उस टाइम पे क्लोज टू 5000 कार्ड्स बटे हैं। आज आप देखिए कहां उस स्तर गुरु जी के दरबार का बैठा है, कहां पे नूर चढ़ा है। जब महाराज का कारवा चलता था एम्पायर स्टेट से उठ के गुरु जी बड़े मंदिर आते थे बड़े फंक्शंस में, और इसकी मेरे को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं लगती थी कि मुझे पता नहीं था कि क्यों बार बार हमें बोला जा रहा है आइए आइए आप लोग, क्योंकि गुरु जी का ऑरा और प्रताप इतना ज्यादा बढ़ जाता था। उनको पता था कि मैं कितनों को आशीर्वाद दे सकता हूं। जो फार्मर है वो जब अपनी फसल डालता है और जब वो देखता है आफ्टर डेथ, ही नोज कितने क्विंटल मेरे किससे धाने निकलेगी और कितनों के घर में वो अनाज जा सकता है, कितनों का जीवन निर्वाह हो सकता है उससे और कितना पैसा हमारे घर आ सकता है। ऐसे ही गुरुजी को पता था कि मेरे प्रताप से कितना आगे तक मेरा ऑरा पहुंच चुकी है ऊर्जा, और मैं उस अम्ब्रेला के नीचे कितने संगत को आशीर्वाद एक मोमेंट पे दे सकता हूँ। ओनली महाराज न्यू अबाउट इट।
हमें नहीं पता था, हमें तो लगता था क्योंकि देखिए आप लोग सूक्ष्म रूप देख रहे हैं, हमने स्थूल रूप देखा बॉडी फॉर्म, हमें हम वो पांच इंद्रियों पे और उसी पे अटके रह गए। जो नई संगत तो ज्यादा ब्लेस्ड है क्योंकि वो सूक्ष्म रूप पे है। एंड गुरु जी का कारवा जब चढ़ता था, एम्पायर स्टेट आता था, ओ माय गॉड, जो बैंड बजता था जो गुरु जी के आगमन का, और जब महाराज बैठते थे अपनी गद्दी पे, पूरा उनका तेज लाल सुर्ख हो, जैसे रौद्र रूप शिव का प्रत्यक्ष हमारे आगे था। क्या उनकी असीम कृपा और क्या उनका सुरूर, क्या संगत का आशीर्वाद मिलना। बेर डुगरी से आते थे, मन के मन बोरे भरे हुए बेर संगत का आशीर्वाद मिलता था। खाने की एक लाइन होती थी इतनी लंबी जैसे सांप की पूंछ हो, तीन तीन घंटे की वेटिंग, फिर बेर के लिए हम लाइन में खड़े होते थे। उसका भी लुप्त और था, उसका भी मजा और था। ये गुरु जी की ब्लेसिंग के बिना ये सब देखने को हमें नहीं मिल सकता था। अगर आज जो संगत यहां बैठी है, ये पूर्ण गुरु जी का आशीर्वाद है कि ये सारे, ये देखिए गुरु जी का आशीर्वाद ऐसे है, कई बार वो इंडिविजुअली किसी को कहते थे कोई बात और ब्लेस करते थे, कई बार ऐसे होता था सारी संगत साथ है क्यूमुलेटिव। आज शिव के दरबार में हम खड़े हैं, आप देखिए शिवलिंग बाहर है, शिवलिंग बाहर है, शिव जी की मूर्ति नीचे विराजमान है, शिव भगवान की मूर्ति अरुण बहुत बड़ी भव्य कमल के फूल में बैठी है बड़े मंदिर में, जब आप घुसते हो गणेश जी हैं। इन सारी बातों का बहुत डीप मीनिंग है, इसे समझना है। ये बुद्धि विलास नहीं है कि आडंबर बस देख लिया। आज मैं फेसबुक पे देख रही थी कहीं, एंड आई वाज शॉक्ड टू सी एक बंदा शिवजी बन के आया है मार्केट में, और वो भी झूल रहा है, भांग बट रही है। ये सारी चीजों का एक सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले आज हम माही बेटी हमारी एक छोटा सा कल्चरल आइटम गुरु जी के आगे, मैं कहती हूँ एक छोटी सी अरदास है उस बच्चे की, वो गुरु जी के आगे अपना। इस लड़की के बारे में एक बात मैं कहूंगी, मैंने इतनी प्यारे और शुद्ध भावना से, जो भाव से ये शिव जी का तांडव गुरु जी को प्रस्तुत करती है, ये भी देखिए आप एक कृपा है। कितनों को बहुत कुछ आता है, मगर जिसको कल्याण गुरु जी ने देना होता है उन्हीं को गुरु जी ने उठाया होता है और डांस करने को कहते हैं। इस बच्चे पे तो पूर्ण आशीर्वाद होना चाहिए। आज ये सत्यम शिवम सुंदरम पे कुछ गुरु जी के आगे डांस कर रही थी। सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में मैं बताऊंगी, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। सत्य क्या है और सुंदर क्या है, एक बार ये परफॉर्मेंस कर लें, देन आई वुड लाइक टू टॉक मोर अबाउट ऑन शिव पुराण। बाल पृथ्वी को बचाने के लिए राक्षसों का संहार किया, ये देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें अपने अर्ध अंग में समाने का वरदान दिया। इस प्रकार जन्म हुआ एक नए रूप का। भीष्म ने अर्जुन को शिव
शब्द मोह का नाश सृष्टि से कर 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 महादेव, तीन लोग तेरी मुट्ठी में, हर 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 महादेव। महादेव, गुरु जी का आदेश था शिव पुराण पढ़ने के लिए। जो जो लीला है आप शिव पुराण में देख रहे हैं वो सारी बात गुरु जी ने बड़ी प्यार से लाइटली कोई ना कोई तरीके से कही है। एक चीज आज एक लीला में उस पर प्रकाश डालना चाहूंगी। दक्षदर नाशकाय श्रीनील कंठाय ऋषध्वजाय तस्मै शिखराय नमः शिवाय। इसमें दक्ष का नाम आया है। कथा ये है कि दक्ष का अहंकार बहुत बढ़ गया था। जब हम गुरु जी के पास आते हैं, हमेशा हम सुनते हैं महाराज की दरबार में गुरु जी अहंकार तोड़ते हैं। आप देखें जो भी शिव पुराण की लीलाएं हैं वो सारी प्रैक्टिकली मैं एक एक चीज शिव पुराण से पिक कर सकती हूँ। आई वॉज रीडिंग गीता इन 2003 एंड गुरु जी का आदेश मिला नहीं आपने शिव पुराण पढ़नी है। 2004 से 17 ईयर्स आई हैव बीन रीडिंग शिव पुराण और मैं बहुत दिल में सोचती हूँ गुरु जी ने क्यों शिव पुराण के लिए मुझे कहा था, क्योंकि गीता में ज्ञान तो गीता में भी है, उपनिषद का ज्ञान है, क्या नहीं है उसमें? ऐसी क्या बात है जो हमें शिव पुराण पढ़ने के लिए संगत को गुरुजी ने कहा है? एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात है जो गुरुजी ने बड़े प्यार से संगत को उस तरफ डाइवर्ट किया है हम सबको, वो है शिव का। आज शिव जी का दिन है, अगर हम उसकी हमें नॉलेज नहीं है तो ये आडम्बर रह जाएगा, बस खाया पिया मौज किया घर चले गए। शिव तत्व तो सबकी शिव जी के अधिकार है हम सबको जानने का, कोई पढ़ सकता है कोई नहीं भी पढ़ सकता है। महाराज ने ये नहीं कहा उसको समझो, आपको सिर्फ पढ़ना है उन्होंने कहा था। उसकी भी बहुत देखिए ये तो दयालु है। शिव का रूप ब्रह्म विष्णु महेश कहते हैं तिरोभाव और
Guruji always write his signature as blessings. Anugraha. Shiv ka roop anugrahit hai likha Shiv Puran mein. That blessings is always flowing from Lord Shiva. It never stops. ये ऐसे है जैसे चंदन का पेड़ है, चाहे जो कोई उसको कुल्हाड़ से काटने भी आ जाए तो भी वो उसको उसका स्मेल दे देते हैं। ये ऐसा है दरबार गुरु जी का। दक्ष की मैं बात कर रही थी, कहते दक्ष का अहंकार सातवें आसमान पे था। वो अपने आप को, उसको अपनी जमीन का, अपने धन दौलत का, सारे देवी देवता उसके पक्ष में थे, बहुत बड़ा नंबर था उसके जेब में, लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी। एंड ही टुक लॉट ऑफ एडवांटेज मिसगाइडेड पीपल, और वो बहुत अपने आप को ही भगवान समझने लगा था। एंड ही थॉट ही कैन पनिश एनीबॉडी, ही कैन डिक्टेट हिज टर्म्स। उस टाइम पे सबसे अच्छी बात क्या थी, घर में सती जो है शिव का अंश है जिसका अर्धनारेश्वर अभी हमने देखा, वो उनकी बेटी होने के बावजूद वो अपने पिता को कन्विंस नहीं कर पाई भगवान शिव की क्या कथा है या शिव तत्व क्या है। कई बार ऐसे होता है कि शिव जी को अपने तरीके से बड़े वो प्यार से, पहले तो उन्होंने अपनी स्वयं पत्नी को उनकी बेटी बना के एज अ गाइड भेजा। सॉफ्ट लैंडिंग गुरु जी करवाते हैं, पहले एक मैसेज मिलता है, दो मिलते हैं, तीन मिलते हैं, फिर तो शिव का त्रिशूल बाहर निकलना ही था। सबको बुलाया गया, बड़े कन्वीनियंटली शिवजी भगवान को और सती को नहीं बुलाया गया उनके घर में जो भी यज्ञ हो रहा था। इस कथा को मैंने इसलिए चुना, अभी हम निकल रहे थे और ऐसे एंगल से बात हो रही थी और ये चीज मेरे दिमाग में आई। देखिए मैं कोई बैठ के प्लान करके नहीं आती हूँ, जो गुरु जी चाहते वही बुलवाते हैं मेरे से। उस मोमेंट पे शी वॉन्टेड टू गो एंड विजिट हर फादर। शिवजी ने बड़े प्यार से कहा, जहां मान सम्मान नहीं है वहां नहीं जाना चाहिए, चाहे वो अपना पेका हो, चाहे कहीं भी यारी दोस्ती रिश्तेदारी हो, कुछ भी हो। यही बात मैं सोच रही थी और मेरे दिमाग में आया, माय क्लोज फ्रेंड शी वेंट टू गुरुजी, वो भी संगत है, एंड शी सेड गुरुजी मेरे रिश्तेदार और मैं पूछ नहीं रहे तो मैं शादी अपनी कुड़ी दी उन्होंने बुलावा, टर्न बैक एंड सेड कोई लोड नहीं, कार्ड भेजो ड्राइवर दे हाथ तनु उन्होंने पूछिया, बस मौज करो, तड़ी प्रीति मेरे संग लाया करो, एडम विच विच ना पढ़ाया करो। आई कुड कोरिलेट इट टुडे आफ्टर सो मेनी इयर्स कि गुरुजी ने जो बात भगवान शिव ने सती को कहा था वो हम पे लागू होती है। हर लीला जो शिव के शिव पुराण में है वो एक हमें सीख देती है अगर हम उसको शांति से पढ़े और अब्सॉर्ब करे। She didn't listen, she still went. And वहां पे जब उसने देखा कि मेरे पति का अनादर हो रहा है, उसने वहीं पे, उसको पता था सती को कि मैं वापस मुड़ के शिव को फेस नहीं कर पाऊंगी, एंड शी जंप्ड इनटू द यज्ञ। लॉर्ड शिवा केम टू नो अबाउट इट, उनके जो सेनापति है वीरभद्र उनको भेजा उन्होंने और सारा कुछ दक्ष का नाश हुआ। शिव का त्रिशूल तभी निकलता है जब आप शिव के जो संगत हैं या शिव के जिनके मन में शिव बसे हैं या गुरु जी का आशीर्वाद है, अगर आप उनको तंग करो। पूरा यज्ञ भस्म किया वीरभद्र ने, उनकी गर्दन काट दी गई दक्ष की। जब माफी मांगी गई उनकी पत्नी और परिवार ने, आप देखिए गुरुजी अहंकार काटे, गर्दन कटने का मतलब है अहंकार कटा, और जो अहंकार वाला सिर था उसको वो खत्म किया गया, उसके ऊपर बकरी का सिर लगाया गया। ये सिंबॉलिक है शिव पुराण की कथाएं। बकरी का मतलब है जो इंसान बहुत ज्यादा मैं करता है, जैसे दक्ष मैं कर रहा था, इसलिए शिवजी ने उनको सिंबॉलिकली बकरे का सिर लगाया। इससे हमें क्या देखने को और क्या समझने के लिए आज मिला है शिव पुराण से, अहंकार गुरुजी के दरबार में सबसे फर्स्ट स्टेप है, गुरुजी ने उसको काटना है, दैट वी ऑल नो।
आधे के शिव तत्व और गुरु तत्व एक है, कैसे एक है, आप हर चीज इसमें आप मिला सकते हो। जब सती ने शिव जी की बात नहीं मानी और अपने मन की गुरु जी हमें बार बार कोई बात अगर कह रहे हैं, या तो उसको मान लो या एक जन्म खराब कर लो जैसे सती ने किया था, और पता नहीं अगला जन्म 3000 या कितने वर्ष उसने पाठ किया था तब शिव मिले, पता नहीं कितने जन्म और कितनी पाठ पूजा करनी पड़ेगी तब जाके शायद हम फिर शिव भूत बनेंगे और शिव कृपा मिलेगी। और कहते हैं जब तक शिव के थ्रू और गुरु के आशीर्वाद के बिना गत नहीं है। भक्ति तो आपको मिलेगी क्योंकि ये दरबार में भक्ति है, क्योंकि सत्संग है, ज्ञान है क्योंकि शब्द सुनते हम, वैराग्य है क्योंकि जब हम शब्द सुनते हैं, जब हमें सोल की नॉलेज मिलती है तो हमारा ध्यान सोल की तरफ जाता, आत्मा क्या है भी। एंड मोक्ष, सबसे लास्ट स्टेप मोक्ष का है जो लॉर्ड शिवा के चरणों में है। जब गुरु जी ने अपने आप को, मैं शिव, जैत्रा अंकल ने ये सत्संग किया था, हमारे घर में सत्संग था 2005 घर में August 27, और अंकल ने ये बात मेरे घर में कही थी कि गुरु जी ने मैंने मना किया था, मैं जब कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जा रहा था, बहुत बार अंकल ने यूट्यूब पे भी किया हुआ है, और तब मुझे उसका ज्ञान नहीं था कि ये बात क्यों कही अंकल ने, मुझे समझ नहीं आई। आज मैं मुड़के सोचती हूँ सब बात मुड़के, जो आत्मा अगर आप शिव पुराण पढ़ोगे उसमें लिखा है 108 करोड़ बार जो जाप ओम का आत्मा कर चुकी है वो पूर्ण रूप से ओम हो जाती है। ओम क्या है? प्रणव इज नथिंग बट लॉर्ड शिवाज नेम। सूक्ष्म रूप इज ओम, स्थूल रूप इज नमः शिवाय, जो गुरुजी ने हमें मंत्र दिया है ओम नमः शिवाय है। अगर समझ नहीं आता, देखिए सारे मंत्रों की बहुत शक्ति है, चाहे गायत्री हो, चाहे वाहेगुरु का जाप हो, चाहे मैं मृत्युंजय का जाप गुरुजी के आगे करती थी बैठ के। अगर गुरुजी ने अपने मुंह से कोई बात कही है हमें, जैसे सती को शिवजी ने कहा था और वो नहीं सुनी, अगर आप जब आपको कोई बात गुरुजी की बात बार बार कही जा रही है अगर हम नहीं सुन रहे हैं तो वो चीज बिछोड़ा, तो फिर आपको 100% है, मतलब पूर्ण कल्याण नहीं है। शिव ने पूरी तरह से अनुग्रहित है, उन्होंने कल्याण देना ही है। उनके तीन तरीके हैं शिव के, जन्म पृथ्वी में जो हम जन्म लेते हैं, सारी तरह से विष्णु अवतारित जो है, जिस तरह हम लोग खाते पीते हैं सारे का सब कुछ उन्होंने देना है हमें, अंत में मृत्यु वो भी शिव जी के ही तरह से हमें मिलेगी। तिरोभाव आत्मा की बोध शिव तत्व, उससे ऊपर मोक्ष भाव है जिसपे शिव बैठे हैं। शिव तत्व सारे भावों से सबसे ऊपर जो एकोंकार जिसे कहते हैं, एक जो है भाव, वो शिव तत्व है। गुरु जी ने जब अपने आप को जब असि शिव वर्ड बोला है उसका बहुत डीप मीनिंग है शिव पुराण से अगर हम पिकअप करेंगे तो। पहली बात अगर आप देखो गुरु जी की रोटी कोई भी पिकअप करो उसमें ओम दिखता है। हमें आंखें उठा के कई बार हम जाते हैं 77 नंबर दिखता है, गाड़ी आगे चल रही है उस पर 7 नंबर दिखता है। साथ का यही है इंपॉर्टेंस, सप्तऋषि, जब आप ज्ञान पे आ गए हो आप सब सप्तऋषि के तरह हो गए हो, क्योंकि हम सब ज्ञान चाहते हैं, हम सब मोक्ष चाहते हैं कि हमें आत्मा का ज्ञान मिले। गुरु जी का हर रोम रोम ओम ओम करता था। जो पुण्य आत्मा इतनी ऊपर उठ चुकी है वो ही उस तरह की ऊर्जा, उनका जो ऑरा था और वो जो उनकी बॉडी से फ्रैग्रेंस निकलती है, नैमिष प्राण करके कहते हैं जहां पे सारे सप्तऋषि और वो शिवालय में बैठते हैं कहते हैं। हम तो गुरु जी के आगे बैठ के वो शिव का स्वरूप देखा है और वो शिवालय महसूस किया है। आज मुझे फील होता है कि मैंने जो शिव पुराण पढ़ती हूँ ये तो मैं साक्षात वो शिवालय महसूस किया है। गुरु जी का जाप ओम नमः शिवाय है, मैं बार बार इंसिस्ट करूंगी क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ सत्संग में वाहेगुरु का लग जाता है, कोई बुराई नहीं है। ब्रह्मा हरि गोविंद राम, बट इन तीनों तत्व से ऊपर एको तत्व है वो है शिव। अगर गुरु जी ने आपको नमः शिवाय कहा है, ओम आप देखिए तीन में विभाजित है, आ उ और मा लिखा है बड़े मंदिर में, क्योंकि ये तीनों ब्रह्म विष्णु महेश है
ना मां शिवाय, ना मां को आप उल्टा करिए मन और शिवाय, हमारा मन शिवाय होना है। गुरु जी ने बड़ी पोलाइटली ये बात कही है, मन चंगा बहती गंगा। हर बात उन्होंने नपी तुली जो भी कही संगत से, वो शिव तत्व के ऊपर ले जाने के लिए कही गई है। कहते हैं शिव, शिव जी धर्म पे अरूढ़ है। धर्म क्या है? नंदी को धर्म का स्वरूप माना गया है। नंदी के चार पैर कहे गए हैं शिव पुराण में। ये चीजें थोड़ी डिफिकल्ट है समझने को, लोग शिव पुराण पढ़ने, मैंने सोचा थोड़ा सा आज उस पर प्रकाश डालूं ताकि लोगों को जिज्ञासा हुए और वो शिव पुराण की तरफ पढ़े। इंग्लिश में भी मैंने देखा एलए में लोग शुरू किया लोगों ने पढ़ना। पहला पैर है नंदी का जिसपे हम कहते हैं सत्य, जो ये अभी बच्चे ने किया नमाही ने, ईश्वर सत्य है, शिव सत्य है, सत्य। शौच, शौच इज नथिंग बट कंटेंटमेंट, जो भी मिला उसमें सुख भोगो। जो गुरु जी हमेशा कहते थे मैं तुहानू चंगा दे रहा हूं तो छोटी चीज मांग रहे हो, कंटेंटमेंट। अहिंसा, किसी का भी आप बुरा मत करो, अच्छा नहीं कर सकते बुरा भी मत करो। अब देखिए हर चीज शिव पुराण में जो लिखा है गुरु जी ने प्रैक्टिकली किया। दया, सेवा करो संगत की, घर में, अपने परिवार में, बाहर, किसी की भी अच्छा कुछ कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते, कोई दान मांगने आया आप नहीं दे सकते, उनके आगे हाथ जोड़ दो, उनको तिरस्कार मत करो। और ये दरबार एक ही चीज पे, कहते दोनों सिंह श्रद्धा और साबरी है। गुरु जी का बहुत ही वेल प्लान्ड आउट जीपीएस है, आई एम टेलिंग यू दिस। मैंने इतना उस पर रिसर्च किया क्योंकि आई ऑल्सो वॉज इन टू डूइंग माई पार्ट, कोई लोन नहीं था सुंदरकांड करण दी। डोंट थिंक कि मैं ऐसे ही शिव जी के आगे एक मिनट में मेरा सरेंडर हुआ है। इट इज वेल ट्राइड आउट। आप अपना डाइवर्ट करोगे लेन से, जैसे जीपीएस आपको फिर गार्डन स्टेट के लिए गली कूचों में घूमोगे वापस लाता है। यही शिव जी का दरबार है, गुरु जी के आशीर्वाद है। बिना गुरु जी के आशीर्वाद के आपको मोक्ष मिलेगा ही नहीं। और अगर गुरु जी ने बताया है कि मेरा ओम नमः शिवाय जाप है, आप वही उसी पे आप वही लगाया करिए, क्योंकि आजकल नई प्रथा शुरू हो गई है। वाहेगुरु का जाप लग रहा है, सुखमणि का पाठ हो रहा है, जिसको बोला गया है वो करिए। गुरु जी की जो बात है गुरु जी के दरबार में, जीपीएस से आप हटोगे, आप गली कुचों में घूमोगे, टाइम खराब करोगे जीवन का, समय कम है। आई लॉस्ट माई मदर एंड मदर इन लॉ द सेम ईयर। कहां था समय, मैं मिल भी नहीं पाई दोनों को आखिरी वक्त, पता ही नहीं आगे जीवन में मेरे आगे क्या क्या हमने देखना है। गुरु जी ने जो बात कही है उसको मानिए, जो शब्द गुरु जी ने चुने हैं, गुरबानी जरूर बजती है। गुरु नानक देव जी की फोटो मंदिर में भी लगी है क्योंकि गुरबानी बज रही है। गुरबानी कुछ नहीं, ज्ञान है। सिख पंत भी गुरु को, गुरबानी को गुरु मानते हैं वो। आप देखिए ज्ञान की ही तरफ हमें डालना जा रहा है, चाहे जैसे तैसे ज्ञान के तरफ हमें बढ़ना है। आज शिव पुराण और जो शिव की लीला जो हमने आज सुनी है, उसमें कोशिश हमारी यही रहना है कि जो गुरु जी ने हमें बताया है उस पे चलिए, जो चार धर्म के पैर है उस पे अटंग रहिए, सत्य सच्चाई के साथ हमेशा शिव खड़े हैं। अहिंसा, कोई जरूरत नहीं है, मानसिक अहिंसा भी अहिंसा है। गुरु जी ने एबीसी के लिए मना किया था, मैं रोज लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ती हूँ, आज एबीसी ही आया था। हमें मानसिक भी किसी के साथ टैंगल नहीं करना अपने कर्मों से। एक बार कर दिया, शिव पुराण में नारद मुनि ने श्राप दिया था जिसके पीछे विष्णु भगवान को पूरा एक जन्म लेना पड़ा था रामगढ़, और विराम में जा गए थे सीता के साथ। तो किसी का कर्स भी कितने जन्मों तक, हम भी तो अटकते हैं जो हमने दिया, और जिसने लिया वो भी अटकता हमारे साथ। ये सारी लीलाएं गुरु जी की आशीर्वाद से हमारे जीवन में बार बार आएगी, बट अगर हम बार बार अपने मन में इस चीज को उतार ले, जैसे अपने मन को शिवालय बनाना है, शिवाय बनाना है, मन स्वच्छ रखना है, तभी ही वो शिव की छवि जो लिंग स्वरूप प्रकाश है वो हमारे मन में बजेगा। आइए आज इस दिन, पावन दिन, शिव का प्रकाश हम सबके मन में आए, उसी की कामना। जय गुरु जी।